गाइज, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो मैरिज एनिवर्सरी में मुझे गिफ्ट मिले हैं, तो आज मैं वो दिखाने जा रही हूँ कि कैसे लगे आपको वो गिफ्ट। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और फाउंटेन जो मुझे मिला है उसको चला के भी दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ और बताइएगा कैसा लगा। तो ये है पॉट, ये डक डक लग रही है या बर्ड लग रही है मुझे नहीं पता, डक जैसी भी है थोड़ी बर्ड जैसी भी है। ये वाला पॉट है, ये सब टेराकोटा ही पॉट हैं। ये वाला खरगोश है, ये भी टेराकोटा का ही पॉट है। अब इसमें देखती हूँ कौन सा प्लांट लगाऊंगी जो सुंदर सा लगे। और ये है मेरा फाउंटेन, छोटा सा ही फाउंटेन है। मैं अपने गार्डन के हिसाब से लाई थी, स्पेस के हिसाब से, कि मैं उसमें स्टैंड पे रख सकूं, तो छोटा सा ही लेकर आई हूं। तो ये वाला पॉट है, अभी मैं आपको इसको चला के दिखाती हूं। और मैं ये चार छोटे छोटे टेराकोटा, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, ऑनलाइन तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं ये टेराकोटा पॉट। तो ये मैं जो जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं वो उन्हीं से लेकर आई हूँ। तो ये वाला टेराकोटा पॉट 4 इंची, ये 6 इंची है शायद, बोला था 6 इंची पॉट है ये। तो मैं, क्योंकि जितने भी सकुलेंट है ना टेराकोटा पॉट में बहुत अच्छे चलते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके सारे सकुलेंट टेराकोटा पॉट में ही शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे मेरे सकुलेंट बचे रहें। तो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सकुलेंट, तो ये चार मैं टेराकोटा के पॉट लेकर आई हूँ। ये इनको अच्छा सा पेंट करूँगी, क्योंकि ये स्मूथ बहुत होते हैं, इनका मटेरियल ही काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया मटेरियल होता है, एकदम प्लेन, एकदम चिकना होता है, पेंट करने में भी आसान होता है। तो देखती हूँ इसमें स्माइलीज बनाऊँगी और फिर इसमें लगाऊँगी, लगाऊँगी तो दिखाऊँगी, पेंट भी करूँगी तब भी दिखाऊँगी। अब चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे जगह बनाई है, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड था। इसको तो कहीं भी इस जगह रख सकते हैं, पर इस जगह मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि उस साइड डोर भी खुलता है, तो उधर मैं नहीं रख रही हूँ, इस साइड ही रख रही हूँ। ये है मेरा छोटा सा फाउंटेन, कैसा लग रहा है आपको? इसमें पहले छोटी वाली मोटर लेकर आए थे, ये उसने मोटर सहित नहीं दिया था मुझे, तो छोटी मोटर लगाई तो वो चल नहीं रहा था, पानी ऊपर ही नहीं जा रहा था। तो फिर थोड़ी बड़ी मोटर लाए तो इसमें पानी एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, हल्का सा कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर यही लग रहा था। ज़्यादातर ये जितने भी फाउंटेन हैं सब दिवाली के आसपास काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इस टाइम थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मुझे बहुत दिन से मन था। ऑनलाइन मैंने बहुत सारे टेराकोटा फाउंटेन देखे थे, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 2-3 हज़ार से नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये मुझे बड़ा सस्ता सा पड़ गया था। ये मेरा 500 समथिंग का है, 550 के अराउंड है, बहुत सही पड़ गया था फाउंटेन। बस मोटर नहीं थी तो मोटर मैंने अपने खुद ही लगाई है, तो पाइप वगैरह सब साथ में ही दिया था, तो छोटा सा था, मेरे जगह के हिसाब से बड़ा सही था, इसलिए मुझे अच्छा सा लगा। कभी बड़ा फाउंटेन भी लाऊंगी, अभी मैं यही लेकर आई हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ये फाउंटेन बताइएगा, छोटा सा। इसके आसपास भी मैं डेकोरेट कर देती हूँ, जो पॉट रखे थे उनको रख देती हूँ। इसमें आसपास मेरा क्रेसुला,
इसके आसपास ज़्यादातर जेड प्लांट ही रखे थे। ये मेरा मदर प्लांट है जेड का, इससे मैंने बहुत सारे जेड बनाए हैं। यही है मेरा मदर प्लांट। ऐसे करके फाउंटेन ढक गया। तो देखिए कैसा लग रहा है, मैंने आसपास से प्लांट रख दिए हैं। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग, कैसे लगे मेरे गिफ्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।